माशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम उस्मान बेटा, आओ बैठो। बहुत शुक्रिया। बैठ जाओ। तुम्हारी आंखें एक मलकूत की रोशनी से मुनव्वर हैं उस्मान बेटा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अपने बच्चे की पैदाइश का तुम्हें इंतजार है। वो रियासत जिसका तुमने बेसब्री से इंतजार किया, उसका वक्त करीब है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर मैदाने जंग में तन्हा भी रह गया तो भी अर्तुरुल गाजी का जानशीन उस्मान आखिरी सांस तक भी अल्लाह के कलाम के मुताबिक जिहाद से पीछे नहीं हटेगा। तुम्हारा सब्र, तुम्हारा ईमान और ख्वाहिश ने तुम्हें अकलमंद बना दिया है। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। बाज़ंतीनियों को शिकस्त दी, उस फतह की हवा जो तुमने हासिल की वो बढ़ती जाएगी, सारे आलम में फैलेगी, मशरिक से मगरिब तक। अब ये रुकने वाली हवा नहीं है उस्मान बेटा। ऐ शुक्रिया शुक्रिया। ये हवा सिर्फ तुर्कों को ही तुम्हारी सरजमीन पर नहीं लाएगी, बल्कि तमाम गांव, कबाइल, शहर खुशहाल होंगे सबके सब। शहरों को फतह करना और फिर उन्हें खुशहाल बनाना इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे खानदान का मकसद होगा। तुमने वो जंग बखूबी जीती, बाज़ंतीनियों और काफिरों को मौत की नींद सुला दिया। अब वो अपने कलों से बाहर नहीं आ सकेंगे जहां वो पना गुजी हैं। ये बात जानता हूं मैं, तुम्हें ललकारने की हिम्मत उनमें नहीं है। तुमने बहुत दर्द-तुर्क कबाइल को खुशामदीद कहा और उनके लिए दिल के दरवाजे खोल दिए। इसका मतलब है रियासत की बुनियाद रखना। बेटा तुम्हारे इस मुकद्दस मकसद में रब ताला तुम्हारी मदद करे। आमीन आमीन इंशाल्लाह। ये तो भी शुरुआत है। इंशाल्लाह इस्लाम के नूर से रोशन करेंगे रास्ता अपना और मंजिल तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। भूलना नहीं, तुम्हारा मकसद इस ख्वाब में पोशीदा है जो तुमने देखा था उस्मान बेटा। बिल्कुल इसी तरह यूसुफ नामी शायर ने एक दिन कहा था, तुम वहां पहुंचोगे जहां तुम्हारा दिल चाहेगा। इस मुकद्दस राह में तुम अपनी तवज्जो रिवायात, सच्चाई और इंसाफ पर मरकूज रख सकोगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तुम्हारी सरदारी का चोहा और कुशादा हो सके उस्मान बेटा। वो रियासत जो तुमने ख्वाब में देखी वो हकीकत बन जाए, ये मेरी दुआ है। आमीन। वो चांद जो तुमने ख्वाब में देखा, जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था, दुनिया पर हुक्मरानी करने वाली नस्रे की रोशनी बन जाएगी।